खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कोविड बीमारी के संबंध में मैं दो तीन गल्लां अज फिर तो करना चाहना। चार दिन पहले मैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधान बीबी जगीर कौर जी ने गल की थी कि ऑक्सीजन राही मेडिकल फैसिलिटी करके बहुत जाना जा रही पंजाब ते एजुकेशन कुछ करना चाहिए। तो मैं बड़ी खुशी ने कह सकता कि अच्छ एजुकेशन बड़ी मेहनत करके बीबी जगीर कौर जी के अगुवाई से पहला कोविड सेंटर असी आलमगीर साहब गुरद्वारा आलमगीर साहब लुधियाने खोलन जा रहे हैं। तो चार सेंटर खोले जाएंगे जिथे तकरीबन 100 बैड का इंतजाम किया जा रहा है। मैं एचईपीसी को बधाई देना चाहना, बहुत वधिया उपराला कर रहे आ जिहड़े चार सेंटर है। इत्थे ऑक्सीजन का पूरा प्रबंध होगा, दवाइया का प्रबंध होगा, डॉक्टरों का प्रबंध होगा, नर्सिस का प्रबंध होगा। समझ लो कि फुल फ्लैज हॉस्पिटल ही है 100 बैड का, जिहड़ा असीं 5-4 दिनों के अंदर एचईपीसी ने खड़ा कर दिता। पहला हस्पताल जिहड़ा कोविड सेंटर अज 2-3 दिन बाद अपना गुरद्वारा तख्त श्री दमदमा साहब उत्थे बनना, तो दो होर बन जाने 15 दिनों के अंदर। अज लोड़ की है पंजाब, लोड़ दवाइया की है, लोड़ ऑक्सीजन की है। ऑक्सीजन की बड़ी कमी है, तो ऑक्सीजन कितों आ सकती है? हिंदुस्तान में जैसी हालात है वो जी मैं लगता अगले 2 महीने भी पूरी ऑक्सीजन पूरी करनी बहुत मुश्किल होना है। मैं पंजाब सरकार को बेनती करता है कि बाहरों इंपोर्ट अलाउड हो गया है, तकरीबन 5,000 जो आप ऑक्सीजन के कॉन्सनट्रेटर आप इंपोर्ट कर लिए। जेडे ऑक्सीजन ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर वो होंगे कि एक मशीन होंगी है जी ऑक्सीजन बना दी है, लगातार ऑक्सीजन बनाती रहती है। सो जे 5,000 मशीन आप इंपोर्ट कर लिए कोई औखा नहीं है, 15 दिन के अंदर अंदर वो मशीन अपने पंजाब पहुँच सकती हैं। आ जी एस जी पी सी ने 4 दिन आ जे 100 बैड का इंतजाम किया, इन्होंने भी इंपोर्ट की है। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी 150 मशीन इंपोर्ट की बाहरों जी आ भी गई हैं। सो पंजाब सरकार वास्ते इन मुश्किल का काम नहीं है जो 5,000 तुसी ऑक्सीजन दे मशीन इंपोर्ट कर लोगे, देखो किनिया जाना बच जानियां। 5,000 लोगों को ऑक्सीजन एक टाइम पे तुसी दे सकोगे। दूजी गल जी मैं कहना चाहना पंजाब सरकार को, वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। जिवें मैं पहली भी कहा सी कि आ जंग वैक्सीनेशन करके जीती जा सकती है। जैसी हालात अपने देश च है मैनू नहीं लगता 1 साल भी आपां नूं वैक्सीनेशन पूरी हो सकेगी। अज सेंटर की सरकार ने अलाउ कर दिता है सूबिया नूं, प्राइवेट कंपनियां नूं, संस्था नूं बाहरों वैक्सीन इंपोर्ट करने वास्ते। सो पंजाब सरकार नूं इमीजिएटली तकरीबन 50 लाख वैक्सीनेशन बाहरों इंपोर्ट कर लेने चाहिए, जिहड़ा मैं लगता 1 महीने के अंदर अंदर आ सकते हैं। तो अपना निशाना होना चाहिए पंजाब सरकार का कि आप अगले 4-5 महीने के अंदर स्टेट की आई जी ड्राइव शुरू करिए जिद ना सारी जनता को वैक्सीनेशन लग जाए, क्योंकि जो वैक्सीनेशन लगेगी तो ही आप बचांगे। सो सेंटर के जो तुम निर्भर रहे, जो तुम सेंटर के चिट्ठिया लिखना कुछ नहीं होना, टैलीफोन करना कुछ नहीं होना, हूँ तो आपको अपने पैरों पर खड़ा करना होना पैना। तो मुख्यमंत्री साहब तुम अपने अफसरों को कहो, चीफ सैकटरी कहो, इमीजिएटली 5,000 जिहड़ा ऑक्सीजन कन्वर्टर कॉन्सनट्रेटर इंपोर्ट कर, घट्ट घट 50 लाख वैक्सीनेशन इंपोर्ट कर, ता अपनी पंजाब की जनता बच सकती है। तीजी गल मैं मुख्यमंत्री जी बेनती करना चाहना है, कोविड बीमारी करके प्राइवेट हस्पताल इहदा बड़ा लाभ लैन लग गए। मैनू कई शहरों तो टैलीफोन आए हैं, कई वर्करों के टैलीफोन आए हैं, आम जनता के टैलीफोन आए हैं कि एक एक प्राइवेट हस्पताल 2.5 लाख रुपया एक पेशेंट तो ले रहा है। बेचारे लोग गरीब किवें दे सकदे 2.5 लाख रुपया? आ जिम्मेवारी सरकार की है कि प्राइवेट हॉस्पिटल ना मीटिंग करके रेट फिक्स कर देन, नहीं तो इन्हों सबसिडाइज कर देन। पैसा पंजाब सरकार का अपने खजाने रखने वास्ते नहीं हुंदा, आपां जनता नूं उन्हां दी बचाउण वास्ते है। तो इस करके मैं बेनती करना चाहना मुख्यमंत्री जी नूं कि इमीजिएटली डिप्टी कमिश्नर नूं कहा जाए, अपने चीफ सैकटरी नूं कहा जाए कि सारे प्राइवेट हॉस्पिटल नाल तालमेल करके रेट फिक्स करके एक पेशेंट का आ रेट होगा पूरी ट्रीटमेंट का, एंड जो बाईचांस जो उन्होंने ज्यादा पैसे की लोड़ है तो फिर बाकी पैसा सबसिडाइज पंजाब सरकार करना चाहिए। मैं तो वड्डी गल कहना चाहना, हर गरीब का ट्रीटमेंट
मुफ्त होना चाहिए, सारे पैसा सब्सिडाइज होना चाहिए। मैं पूरी आस है कि तुम यह फैसला करोगे, क्योंकि हले भी दवाइयां की कमी बहुत है। मैं 6 दिन पहले भी अपील की थी, पर मैं लगता हले पूरा असर नहीं होया। हले भी दवाइयां की बड़ी कमी है, इंजेक्शन की बड़ी कमी है, ऑक्सीजन की तो कमी है ही है। सो मैं अखीर विच पंजाब सरकार को बेनती करना कि वो अपनी जिम्मेवारी संभाल के आ दो चीजा जो मैं कही हैं, ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर ते वैक्सीनेशन इंपोर्ट कर लें। ते मैं NGPC जिहड़ा कपराला कर रही है, मैं उन्होंने धन्यवाद करना चाहना है। तो मैं बेनती करांगा NGPC प्रधान नूं कि हले तो 100 बैड है, जिनी छेती आप होर बैड इंपोर्ट कर अपने ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर इंपोर्ट कर लो, घट्ट तों घट 250-300 बैड 1 महीने के अंदर अंदर NGPC जरूर तैयार करे, जिथे अपने गरीब जनता उत्थे इलाज करा सके। तो आ भी दसना चाहना NGPC के जिन्हें भी कोविड सेंटर है उत्थे सारा कुछ ही फ्री है, दवाइया फ्री है, इंजैक्शन फ्री है, ट्रीटमेंट फ्री है, लंगर पानी सारा कुछ फ्री है, सेवा है, आ कौम की सेवा NGPC कर रही है। इस करके मैं ज्यादा समा लेंदा हो सारी संगत का धन्यवाद करता हूँ। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह।